तो हेलो मिस्टीरियस बुक मेंबर्स, मैं हूं आपका दोस्त मोनू एंड वेलकम इन मिस्टीरियस बुक चैनल। तो कैसे हैं फ्रेंड्स, आई होप आप सब लोग बढ़िया ही होंगे। सुबह का टाइम है, चलिए जान लेते हैं कुछ खास न्यूज अपडेट्स के बारे में। रोमन रेंस का नया टैटू हुआ पूरा और कब तक वापस आएंगे रोमन रेंस। साथ ही WWE रॉ की व्यूअरशिप रेटिंग्स पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो देर किस बात की, बिना देर किए सीधे खोलते हैं मिस्टीरियस बुक को। सबसे पहली जो न्यूज है वह MVP से लेकर है दोस्तों। दरअसल WWE के दिग्गज रेसलर MVP ने 2010 के बाद कोई मैच ही नहीं जीता था। अब उन्होंने यह बड़ा कारनामा जो यह रॉ का एपिसोड हुआ था इसी में किया है। इसमें करीब 10 साल बाद पहली बार सिंगल मैच जीते हैं MVP। यहां पर मोंटल ने सभी को चौंकाते हुए अपोलो क्रूज को हरा दिया था। मार्च 2010 के बाद MVP कोई भी मैच नहीं जीत पाए थे और यह खबर MVP के सभी फैंस को जरूर पसंद आएगी। सूत्रों से खबर हाथ लगी है दोस्तों कि आने वाले समय में कंपनी वाले MVP को बड़े मैचों में डाल सकते हैं। चलिए अब आपको दिखाते हैं सैंटोस एस्कोबार की खास फोटो के बारे में। आजकल यह फोटो फैंस को बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। सैंटो एस्कोबार इस समय NXT क्रूजर वेट चैंपियन है और आप लोगों को इस फोटो में एस्कोबार का फेस मास्क कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। सैंटोस एस्कोबार लुचेडियन रेसलर है दोस्तों और यह NXT में अपने हाई फ्लाइंग मूव्स के लिए बहुत ज्यादा चर्चित रहते हैं। वैसे आप लोगों की इनके बारे में क्या राय है, अपनी राय भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब चर्चा करते हैं बिग डॉग रोमन रेंस के बारे में। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर होंगे तो हमने आपको पहले बताया था कि रोमन रेंस एक नया टैटू बना रहे हैं। अब उनका यह टैटू पूरा हो गया है दोस्तों। उनके टैटू आर्टिस्ट जो समोअन माइक हैं, उनके साथ रोमन रेंस काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं और रोमन रेंस के टैटू वही बनाते हैं। इस लॉकडाउन में रोमन रेंस जब अपने घर पर थे तो उन्होंने यही टैटू बनवाया है और आप ध्यान से देखिए, रोमन रेंस का एक साइड पूरा कवर हो गया है। वैसे हमें तो यह टैटू बेहद ही शानदार लग रहा है। आप लोगों को यह टैटू कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही रोमन रेंस के टैटू आर्टिस्ट समोअन माइक ने एक दूसरा रेयर फोटोग्राफ भी शेयर किया हुआ है। रिंग में रोमन रेंस अक्सर वेस्ट या टी शर्ट पहने दिखाई देते हैं, इस वजह से उनका चेस्ट नहीं दिखाई देता। इस फोटो में आप उनका चेस्ट साफ साफ देख सकते हैं। फोटो देखकर साफ पता लग रहा है दोस्तों कि इस समय घर पर रहने के बावजूद भी रोमन रेंस काफी कसरत कर रहे हैं और अपने शरीर का पूरा ध्यान रख रहे हैं। कुछ समय पहले ही रोमन रेंस ने हिंदू मेट्रो प्लस पर एक खास इंटरव्यू दिया था जहां उन्होंने अपने रिटर्न के बारे में बताया। रोमन रेंस ने कहा कि इस महामारी के दौरान भी उन्होंने ट्रेनिंग जारी रखी हुई है और खाली एरिना में परफॉर्म करना थोड़ा चिंता का विषय भी है। रोमन ने साफ कहा कि जब यह मुश्किल समय खत्म हो जाएगा तो वह सीधे आकर बड़े लेवल पर फाइट करने वाले हैं। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई है कि वह सीधे टाइटल के लिए फाइट करेंगे, वह भी यूनिवर्सल चैंपियनशिप बेल्ट के लिए। चलिए दोस्तों आप चर्चा करते हैं कि आखिर कब तक वापस आएंगे रोमन रेंस। कुछ WWE विद्वानों की माने तो रोमन रेंस 2021 से पहले नहीं आने वाले। अब ऐसा इसलिए भी है दोस्तों क्योंकि इस समय COVID-19 महामारी का खौफ चल रहा है और ईमानदारी से देखा जाए तो अगर रॉयल रंबल में रोमन रेंस आते हैं तो इससे उनका भी फायदा है और कंपनी का भी। रोमन रेंस साल 2021 का रॉयल रंबल में आकर अगर वह रॉयल रंबल जीत जाते हैं तो रोमन रेंस रेसलमानिया के लिए अपना मंच खुद तैयार कर सकते हैं। इस बारे में बहुत ज्यादा अफवाह आजकल उड़ भी रही है। कुछ WWE विद्वानों की माने तो रोमन रेंस वापसी के बाद यूनिवर्सल चैंपियनशिप बेल्ट के लिए लड़ेंगे। ऐसे में अगर दर्शक आ जाएं तो तब रोमन रेंस की वापसी का बहुत ज्यादा फायदा कंपनी को हो सकता है। इससे रोमन रेंस की लोकप्रियता में भी इजाफा होगा और जब दर्शक आएंगे और रोमन रेंस बेल्ट जीतेंगे तो रोमन रेंस को फैंस का भी तगड़ा सपोर्ट मिलेगा। खैर, रोमन रेंस के रिटर्न पर WWE क्या प्लान करती है यह तो हमें आने वाले टाइम पर ही पता चलेगा।
चलिए अब चर्चा करते हैं रॉ की व्यूअरशिप रेटिंग्स के बारे में दोस्तों। दरअसल WWE इतिहास में तीसरी बार ऐसा हो गया दोस्तों जब रॉ की व्यूअरशिप सबसे कम रही है। यह बहुत बड़ी चिंता की बात है दोस्तों, क्योंकि पॉल हेमन को रॉ के बड़े पद से इसीलिए हटाया गया था। रेसलिंग INC की रिपोर्ट के मुताबिक इस हफ्ते रॉ की व्यूअरशिप 1.735 मिलियन रही। अगर पिछले हफ्ते रॉ को देखा जाए तो उस समय व्यूअरशिप 1.922 मिलियन थी। साफ अंतर दिख रहा है दोस्तों कि 9.7% व्यूअरशिप में कमी आई है। WWE इतिहास में ऐसा तीसरी बार हुआ है दोस्तों जब रॉ की व्यूअरशिप इतनी कम रही है। अब देखना होगा कि कंपनी के बड़े अधिकारी इस पर क्या विचार करते हैं और आगे क्या एक्शन लेने वाले हैं। तो ये थे दोस्तों कुछ खास न्यूज अपडेट्स। उम्मीद है आपको आज का अंक पसंद आया होगा। ऐसे ही रेसलिंग न्यूज अपडेट्स और रूमर्स पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। जल्द मिलते हैं, तब तक रखिए अपना ख्याल। मैं मोनू लेता हूँ आप सभी से विदा। नमस्कार।